वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा में मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले के उठाने के बाद सरकार ने बिहार बोर्ड के सोशल साइंस की परीक्षा को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि अब यह परीक्षा 8 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं बिहार बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जमुई में एक क्वेश्चन पेपर बैंक कर्मियों की मिलीभगत से वायरल किया गया। उन्होंने बताया कि जमुई के एसपी और डीएम ने पूरे मामले की जांच की तो पाया गया कि झाझा स्टेट बैंक से प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर व्हाट्सएप किया गया। आपको बता दें कि अब इस पेपर की परीक्षा 8 मार्च को ली जाएगी। वहीं मैट्रिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले में जमुई के एसपी ने एसबीआई कैशियर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा के तीसरे दिन को प्रथम पाली के सोशल साइंस की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो गया था। अब इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए गुप्त शहर के कचहरी चौक स्थित एसबीआई की मेन ब्रांच शाखा से आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मौके से एसबीआई के 3 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वहीं मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस की परीक्षा कैंसिल होने के बाद परीक्षार्थियों का गुस्सा चरम पर है। आक्रोशित छात्रों ने आम लोगों और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसके बाद से भगदड़ मच गई। घटना पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एएन कॉलेज में परीक्षा देने आए छात्रों को जैसे ही जानकारी मिली कि सोशल साइंस की परीक्षा कैंसिल हो गई है, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को किसी तरह शांत करवाया। नवनियुक्त डीआईजी सफीउल हक शेखपुरा पहुंचकर अपराध की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंडिंग पड़े केसेस को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने काम में लापरवाही करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कुछ ही महीने बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उन्होंने चुनाव से पहले पूरी तैयारी होने की भी बात कही है। सालाना जो निरीक्षण होता है ना, इसी के लिए मैं आया हूँ। पिछले डीआई साहब किए थे एक साल पहले, साल में एक बार होना, इसलिए मैं आया। निर्देश तो मैं केसों की देख रहा हूँ, यहाँ पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और बहुत पहले से है, तो मेरा वो होगा कि इसको कहाँ कहाँ जिलाए। साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुपौल के अनुपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज में एक फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार छात्रा अपने मौसेरी बहन के बदले मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी, जिसे एसडीओ एसजेड हसन ने हिरासत में लेकर त्रिवेणीगंज पुलिस को सौंप दिया है। मामला ये है कि अनुपलाल यादव कॉलेज में फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश के परीक्षा में एक लड़की जो दूसरे के बदले बैठ के, अंशु कुमारी एक लड़की थी, वो अस्मिता के बदले बैठ के परीक्षा दे रही थी। आप सो कॉल्ड मुन्ना भाई कह सकते हैं जी। और वो पकड़ी गई और उसने स्वीकार भी। वहीं पूर्वी चंपारण में हुए हाथरस जैसी घटना में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 12 नामजद अभियुक्तों के घरों पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाकर आत्मसमर्पण करने को कहा है। इसके पहले पुलिस ने डुगडुगी बजाकर अभियुक्तों से आत्मसमर्पण करने को कहा था। इश्तेहार घोड़ा सहन के पुलिस इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह और कुंडवा चैनपुर के थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में चिपकाई गई। बता दें कि यह घटना 21 जनवरी की है, जहां 12 वर्षीय बच्ची के साथ 4 मनचलों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद पुलिस संरक्षण में शव को जला भी दिया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिलहाल 10 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। सीतामढ़ी रेलवे क्वार्टर में एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत और आग लगने की घटना से इलाके में दहशत का माहौल सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे कॉलोनी में सुबह अचानक आग का धुआं देखने को मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जीआरपी को दी और जीआरपी ने घटनास्थल पर से युवक की शव के साथ एक स्कूटी को भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से आ रही है, जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और प्रभारी भक्त चरण दास को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया है और साथ ही साथ कांग्रेस विरोधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह जो लोग हैं, बेगूसराय की जो जनता है, उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का जो है उनके काफिले पर हमला कर दिया और उनका विरोध किया। उनके खिलाफ नारे लगाए गए हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ताओं की गाड़ी को जो है, वहां की जनता जो है, बेगूसराय की जनता, उन्होंने विरोध किया, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है जो प्रदेश अध्यक्ष है। देश भर में किसान
कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के बेगूसराय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान जब वो वहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, जनता ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उनके खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से उनकी गाड़ी पर जो है हमला किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का जो है उनके काफिले का हमला किया है। वहां की जनता ने प्रदेश अध्यक्ष के विरोधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं, आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं उन पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समस्तीपुर के काशीपुर चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने बीच सड़क पर कार सवार पैक्स अध्यक्ष पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसमें पैक्स अध्यक्ष समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पैक्स अध्यक्ष के कार का शीशा तोड़ वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं कटिहार में प्रेमी युगल की शादी चर्चा का विषय बन गई है, जहां ग्रामीणों ने मैट्रिक परीक्षा के दौरान अवैध प्रेम संबंध के संदेह पर एक प्रेमी युगल को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से मनिहारी थाना परिसर के शिव पार्वती मंदिर में शादी करा दी। वहीं प्रेमी युगल ने कहा कि 5 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और आज इस शादी से बेहद खुश हैं। पूरा मामला ये है, हम लोग 5 साल से लव स्टोरी चल रहा था, तो मनियारे आए थे एग्जाम दिलवाने के लिए कन्या मंदिर के लिए, और उसके बाद हम लोग जो है यानी घर से परिवार लोग यानी कि शादी करने के लिए भी रेडी थे, यानी कि गांव वाले जो है दूसरे तरीका सोच लिए, इसलिए कि हम शादी कराया गया। हम यहाँ पर कहाँ आए थे? वहीं जमुई जिले के झाझा संत जोसेफ स्कूल में दर्जनों अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भी स्कूल छात्रों के साथ मनमानी कर रहा है, जबकि महामारी के बाद अर्थव्यवस्था खराब हो गई, ऐसे में हम लोग फीस देने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल फीस माफ नहीं करता है तो हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुँचने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम हमारी मांगे हैं, कोरोना काल में जो स्कूल फीस पूरा 100% मांगा जा रहा है उसको 50% किया जाए। दूसरा, बच्चों पर जो जुल्म होता है, बच्चे को जो शोषित किया जाता है उसको बंद किया जाए। कोई भी बच्चे का गार्जियन अगर अगुवाई करते हैं किसी भी आंदोलन का तो उस बच्चे को कहा जाता है। वहीं अरवल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज देश में महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 100 रुपये के पार, डीजल 90 रुपये और गैस 800 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है, साथ ही सरसों का तेल 150 रुपये किलो हो गया है और अन्य वस्तुओं की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। दानापुर रेल मंडल के टेका बीघा रेलवे स्टेशन में अनारक्षित कंप्यूटराइज्ड टिकट काउंटर खोला गया है। वाणिज्य प्रबंधक जीत नारायण और स्टेशन प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार और बीजेपी नेता संतोष कुमार यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस सुविधा के चालू होने जाने से अब लोगों को काफी सहूलियत भी होगी। वहीं कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के नुआव मेला के पास दो बहनों को अनियंत्रित पिकअप ने रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उन दोनों की ही मौत हो गई, जबकि छोटी बहन ने इलाज के लिए माफ कीजिएगा पहली बहन की मौत हो गई और दूसरी को अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों शवों को सड़क पर रखकर यातायात को घंटों बाधित किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। एक्सीडेंट हुआ था, वो लोग शायद उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के रहने वाले थे, उनके प्रधान भी आए हुए हैं और प्रधान जी के और हम लोग के बीच बात हुई, जो भी नियम संगत होगा हम लोग उनको मुआवजा देंगे और इसी आश्वासन पर प्रधान जी के द्वारा जो है पहल कर करके जाम को छुड़ाया गया है। दो आदमी का डेथ हुआ है, एक का ऑन स्पॉट डेथ हो गया है और जो कुंवारी थी जिनका शादी होने वाला था वो हॉस्पिटल। शेखपुरा जिले के कारांडो थाना क्षेत्र के लहना गाँव में पैक्स चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पैक्स चुनाव में कुछ लोगों ने जबरन अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए प्रेशर बनाया। पीड़ित ने जब वोट देने से इनकार किया तो चुनाव खत्म होते ही पैक्स प्रत्याशी के कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
वहीं बगहा के चौतरवा थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान लौरिया थाना क्षेत्र के वृत्ति टोला निवासी इम्तियाज अहमद की बेटी के रूप में हुई है। मृतिका नूरी खातून के मायके वालों ने नूरी के ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतिका की शादी 2017 में सकुर मियां से हुई थी। मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर थाना क्षेत्र स्थित राम जानकी मंदिर का ताला काटकर अज्ञात चोरों ने प्राचीन अष्ट धातु और संगमरमर की मूर्तियों की चोरी कर ली। मूर्ति की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह जब पुजारी मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे तो गेट का ताला कटा पाया। इसके बाद मंदिर की तलाशी ली गई तो 6 मूर्तियां गायब थीं। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। वहीं चोरों के इस कारनामे से लोगों की आस्था पर भी चोट लगी है। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत अच्छे धूमधाम से और सभी लोग यहां आते हैं और ये चोरी हम सब समाज और प्रशासन सरकार सभी के लिए यह शर्मनाक बात है कि भगवान का भी आज के समय में और इतने लोग आस्था के अपने बच्चों के लिए जानलेवा बन चुकी चमकी बुखार को लेकर शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पताही के सभागार में बैठक की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि चमकी बुखार के रोकथाम के लिए समिति के सभी सदस्यों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि प्रखंड के सभी दलित और महादलित टोलों में चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी लगा दी गई है। मौके पर थाना अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रगति कुमारी के साथ जीविका कर्मी उपस्थित थे। यस और जेई के लेकर बैठक किया गया। गर्मियों का मौसम आ रहा है तो बच्चे वाला चमकी बुखार शुरू होने वाला है, इसी के एवज में ये बैठक की गई है वीडियो साहब के अध्यक्षता में, जिसमें जेई वार्ड का देखा गया कैसा है, गैप एनालिसिस देखा गया और CDPO जीविका थाना प्रभारी सभी लोगों को बताया गया कि कैसे कैसे